अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अभी हैं हम रावलपिंडी और प्लान बन रहा है जाने का चाय खाना पे, और इट्स अ चाय महफिल। वहाँ जाके कुछ आउटडोर कवाली सुनेंगे और फिर कल हमारा प्रोग्राम है एक दावत पे जाने का आज़ाद कश्मीर। मेरी चाचू की तरफ से इट्स अ स्मॉल वलीमा इन कश्मीर, क्योंकि हमारा बेसिकली अबाई गाँव कश्मीर में। सो निकलते हैं पहले चाय महफिल की तरफ कुछ कवाली, और उसके बाद फिर कल निकलेंगे कश्मीर की तरफ। मुझको हर गम से रब ने बड़ी कर दिया, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। हम कश्मीर के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं संजानी टोल प्लाज़ा, और यहाँ से आगे सफ़र आगाज़ होगा हमारा। रवाद से हम लोग चढ़ेंगे कलर सैदा की रोड पे, वहाँ से आगे तकरीबन डेढ़ घंटे का रास्ता मज़ीद, और यहाँ से रवाद तक एक से डेढ़ घंटा लगता है। सो टोटल द जर्नी विल बी अराउंड 3 आवर्स। सो लेट्स पे द टोल टैक्स। पहुँच गए हम सतर जमीन स्वीट्स पे और पैक करवा रहे हैं अपना दावत का टुकड़ा, यहाँ से आगे फिर आगाज़ होगा मेरा रवाद का सफ़र। द बेस्ट स्वीट्स इन रावलपिंडी, जमील स्वीट्स। अभी इसके ऊपर फूल लग रहा है, फूल लग चुका है मिठाई के ऊपर, और सब्जोर की जानों का टाइम हो गया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम असर से पहले पहुँच जाएंगे। सो एकदम सदर है जमील स्वीट्स। पहुँचे हम जी रवात, और यहाँ पे रश एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से हम रोड अपनी चेंज कर लेंगे, कलर सैदा के रोड से जाएंगे ताकि थोड़ा रश से और गंदी रोड से बचें। तो या दिस इज़ रवात। गाड़ी साहब का गियर खुल गया नीचे से चिमटा, कोई नट बोल्ट था, और कोई 10 मिनट खबार आने के बाद हम लोग टू चेंज करके लेके जा रहे हैं इसे मैकेनिक के पास, होपफुली फिक्स हो जाएगी ना, तो फिर वलीमा हमारा रास्ते में ही होगा। इस वक्त हम में कोई पावर स्टेशन के साथ से जा रहे हैं। थम्स अप। अल्हम्दुलिल्लाह बैक ऑन फुट, गाड़ी ठीक हो गई थी। इट वाज अ मिनिमम खर्चा, क्योंकि एक नट बोल्ट उतरा हुआ था, और शुक्र है हो गया टाइम पे। बंदे काफ़ी अच्छे थे, दे हेल्प अस आउट, और यहाँ से भी 1.25 घंटा लगेगा आगे मज़ीद। कश्मीर का सफ़र शुरू हो चुका है, इस वक्त हम मोलाड़ के पास हैं जहाँ पे डैम है, और इस डैम को भी हमने फिल्म किया था ड्रोन से। इस डैम का नाम था, मैं सोच के बताऊंगा आपको, करोट डैम, KORAT, करोट, KAROT। पहले मैंने कारोट कर दिया था, करोट डैम। प्यारे प्यारे रोड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी नहीं बहुत ठंडी है। पहुँचे हैं मोलाड़ डैम पे, पुल जहाँ डैम बनाया गया है स्पिलवे के सामने। कश्मीर, और जो पुल था वो पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में पुल था नीचे उधर। अभी हम लोग आगे रवाना हो चुके हैं लाड़ से, पहले डाउन हिल थी, अभी अप हिल जा रहे हैं, दोबारा पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ों के बीच से होते होते अपने गांव सहसा। तो
लाल गाऊ में नीचे घर से दूर है लेकिन पहुंच गए शाम के 5:30 बजे मस्त मलंग चकी तई अपने गांव से तकरीबन 5 मिनट दूर है 4-5 मिनट बस पहुंच गए 2-3 मिनट लेकिन घर पहुँचे 5 मिनट यहाँ से भी घर भी दिखाई देंगे ओके अब सीनरीज एंजॉय करें वो सामने हमारे घर है वो कोठी वाले 5 घर हैं चाचू साहब का अर्तगल होटल पहुंचे हम बडली ये घर है साहब और यहीं पे होगा बाजार इनमें से 1-2 प्लाजे हमारे हैं बाकी बाबा के कजन्स लोग हैं दादा के वो सामने घर है ये जी दादा की बहन का घर और सामने है जी मस्जिद जहाँ साहब भी दादा की कब्र है दो दादा किया है एक बड़े दादा एक छोटे दादा जो हमारे पर्सनल दादा है दादा की मस्जिद यहाँ से रास्ता अगर नीचे जाए तो पहाड़ियों में और ऊपर अगर हम जाना चाहें तो हमारे घर को सामने ढेरे लगे हुए हैं मौली साहब यहाँ बाइक चला चला के उन्होंने पूरा ज़मीन का सत्यानाश कर दिया हमजा साहब का वलीमा होने वाला है इधर स्टेज टेंट सब कुछ है जी क्या बात है भाई ये चाचू की कोठी आम का दरख्त अंदर ये उजारा ट्रैफिक पुलिस वाला किताब किधर है हैं रिश्वत खाते हो चलान बुक किधर आपकी अंदर लगाओ गाड़ी किधर अंदर ये हमारी जमीन नहीं हम अपनी जमीन में लगेंगे अपनी जमीन में जगह नहीं है ये किसने जमीन का सत्यानाश किया है जो गोल गोल राउंड राउंड मौज को तो पकड़ते हैं चलो ये हमारे नाना समीन ये कौन है ये खालू है और ये है मेरे मामू अगर बारबेक्यू और आउटडोर बाकी फिर अंदर है इधर हमारे शरोज साहब नाना आसम साहब काशर साहब दुबई से आ गए हैं या भगा दिए गए हैं मैं क्या खा रहे हो आप व्हाट सूप ओ चाचू बना रहे हैं सूप टेस्ट सही है ना ना सही माशाल्लाह खीर है जबरदस्त नहीं खाए खाए चेक करो खाने चेक करना चेक करते हैं उजार सब प्याली ले जाओ आप
माशाल्लाह वायरल कर रहे हैं सारे की वो अस्सलाम वालेकुम सूप भी तो मुझे चले जा सूप है हाउ आर यू मिस्टर ये जो पूरे पूरे भगरे खाने पर सूप पीने एक फक्सनल वाई बोल रहा है इधर चल रहा है जी बैडमिंटन बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं वो कॉर्ड खड़ा है मरीज का कॉर्ड बाइक एंड यहाँ पे बारबेक्यू तैयार है हमजा की बारात आ चुकी है चिकन मलाई बोटी एंड कबाब आज के मेन्यू के तिक्के ये कौन है ये आतंकवादी है इसे हम अफगानिस्तान से लेके आए हैं है ना नहीं इस वक्त हम आ गए छत पे व्यू दिखाने के लिए आपको धुंध टाइप पड़ी हुई है ठंड हल्की हल्की ऊपर चंदा मामू ये है जी मेरे चाचू का बेटा क्या हाल चाल है आपका क्या नाम है हुसैन लिया यहाँ पे बर्तन वॉश होके देसी स्टाइल में ये दादी का फार्म है छोटा सा और यहाँ पे बारबेक्यू अंदर ले आए सिस्टम उठा के हाफ कुक इधर चावलों का दम है बोलू साहब साहब कैसे हैं आप वेलकम हो गया आपको हमारे वेलकम है इधर क्या बन रहा है क्या बोलते नूडल्स वाले वो खा भी चुके सारे ये नूडल्स है ना तो ये सूप में डले हैं बाकी बच्चा पार्टी एंजॉयिंग इधर हो रहे हैं जी बारबेक्यू ग्रिल मलाई टिक्का चाचू शाहजीब हेलो मैन ये कौन है साथ ये हम भाई हैं हाँ सर डॉन भाई हैं ताजी टिक्का लगाते हैं दिस इज मी एंड माई आउटफिट फॉर टुडे गोल्डन स्टड्स के साथ सेठ के चौदह तबक मौजूद है देख के ये क्या है वे तबक किस चीज़ का तबक है संडे का कट्टे का कट्टे का कट्टा तो इधर बैठा है ये किधर इसकी उसकी हम कट्टे ढूंढ रहे हैं आज का लक्ष्य कट्टा है उत्तर अंदर ही रखो कोई ग्रिल्ड फिश चावल अंदर चाहिए छोड़ो ओए चावल वाला दिस अंदर चाहिए ठीक कबाब वे जनाब के आज स्पेशल हमारी चाची जान ने नान बनाए हैं सुबह से लगी रही हैं शाम को जाके 8 नान देंगे खाली नाम काट काट के गुजारा करेंगे बालों वाली सरकार अभी पहुंची है अस्सलाम वालेकुम बालों वाली सरकार है तो सईद साहब हमें बता रहे हैं कि कम बहुत डाटा क्योंकि अभी तक मुझे प्रॉपर मेन्यू नहीं पता सो एक चीज़ की मैंने स्नीक पीक आप दिखाई और उसके बाद बारबेक्यू तो सईद साहब बताएंगे काम क्या है आज एक बना हुआ है काबली पुलाव ठीक है और एक बना हुआ है तबक ठीक है और चौदह तबक रोशन करेगा मैंने इंशाल्लाह और उसके साथ बने हुए सीख कबाब बने हुए मलाई बोटी बनी हुई है और फिश है बाकी आप आए आपको चिकन वो मिलेगा पालक गोश्त मिलेगा आप आए तो सही तरह अंदर वो बादाम को फ्राई कर रहे थे गाजर और वो खीर मिक्स वगैरह ये चीजें डाल के खीर बनी हुई है तो बाकी आपको इंशाल्लाह खाने के क्या क्या है क्या नहीं चौदह तबक रोशन करेंगे चौदह तबक आज सबके रोशन आने वाले हैं इंशाल्लाह सही साहब बार बार मुझे कह रहे कम बहुत डाटा है तो डाटा कम इधर बहुत डाटा है किचन में अलग कुकिंग इधर चूल्हे पे अलग कुकिंग बारबेक्यू अलग कुकिंग ग्रेट यार ये तबक साफ डाल रहे हैं इधर स्टीम रोस्ट यहाँ पे जी सब कुछ चट हो रहा है चट पट हो रहा है आलू पालक काबली पुलाव टिक्के तबक लोबिया ड्रिंक्स
रायते साग एवरीथिंग। हमारी तो भाई देख के बस हो गई है, ये हमारी प्लेट है। अरे बेगम साहब लगी हुई है ठीक है खाने पे। ये और होने के बाद अभी यहाँ पे चल रही है रैकेट सेटल और मोई साहब फुल जोश में। सईद को नींद नहीं आ रही, इसे घर से बाहर निकाल दिया, लोगों को तंग कर रहा था। वो बालों वाली सरकार मजा आ रहा है जी, फुल चस। ओहो खालू जी आप क्या देख रहे हैं? क्रिकेट और टेनिस क्यों खेल रहे हो तुम लोग? ओए टेनिस क्यों खेल रहे हो, क्रिकेट खेलो ना यार। क्रिकेट बॉल नहीं मिलती, बॉल नहीं मिलती हाँ। आपसे स्टार्ट ही नहीं हो रहा है घंटे से। यहाँ पे सम बिजनेस टॉक गोइंग ऑन। इनमें की गाड़ियों को अंदर मूव करते हुए बाइक्स एंड गाड़ियां एंड कॉर्ड्स। ओपन एयर पार्किंग दिए यहाँ पे कॉर्ड्स नासम और दो इधर है और एक उधर भी है। आई गॉट चेंज अप माई सेल्फ, बाहर ठंड है काफ़ी, सो जैकेट भी ले लिया। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तीन गाड़ियाँ यहाँ पे फिट आई हैं और एक यहाँ पे और तीन है साइड पे। ऑलमोस्ट सात गाड़ियाँ आई हुई थी आज और कुछ बाइक्स थे।